ये देखिए स्नो का हाल, यहाँ पे इतनी ज्यादा स्नो पड़ रही है। हाँ जी, आ जाओ बाहर। नहीं, हम यहीं ठीक हैं। पर बाहर आप देखो ये हालत है कि बाहर तो वैसे ही लोडिंग नहीं बना सकते, चार चार फुट यहाँ पे स्नो पड़ी हुई है। बट वी आर हैप्पी, हम खुश हैं। अगर इतनी अच्छी अच्छी स्नो देख के आपका मन कर ही गया आपने कनाडा आना ही है, देन वेलकम टू कनाडा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सैंडी टॉक्स कनाडा। सो आज का माहौल है बहुत ही खतरनाक कनाडा में, क्योंकि कनाडा में आया हुआ बहुत ज़्यादा स्नो स्टॉर्म, मतलब इस सीज़न का सबसे बड़ा स्नो स्टॉर्म है। और मुझे नहीं पता बाहर कैसे हम हैंडल करने वाले हैं कैसे नहीं। बहुत ज़्यादा एडवाइजरीज जारी हो चुकी हैं, हाईवे ब्लॉक है, पता नहीं क्या क्या हो चुका है। सो मैंने सोचा कि चलो आपको भी मैं कुछ इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर दूँ कि इस चीज़ को कनाडा में हम लोग कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि आपका सबसे मेन क्वेश्चन यही रहता है कि कनाडा में इतना हार्श विंटर पड़ता है, इतनी स्नो पड़ती है, तो मैनेज कैसे होता है। सो ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे और आपको दिखाएंगे बाहर का हाल। सबसे पहले मैं अपने बेडरूम से ही स्टार्ट करती हूँ। अभी मैं उठी हूँ मास्टर बेडरूम से, बाहर का क्या नज़ारा है, चलो जी चलते हैं और देखते हैं। तो ये है जी हमारे मास्टर बेडरूम का व्यू। पहली बात तो ये कि ऐसा मास्टर बेडरूम हो और बाहर का ऐसा व्यू हो तो क्या ही मन करता है बंदे का बाहर घूमने जाने का। यहाँ से इतना अच्छा लग रहा है, लेकिन ये वाली जो स्नो है ना, ये सिर्फ देखने में ही अच्छी लगती है, बाहर जाने में तो बहुत बैंड बज जाती है। सो आप देख रहे हैं कि लाइव यहाँ पे स्नो हो रही है और बहुत ज़्यादा स्नो स्टॉर्म आया हुआ है। और इधर तो देखो, मैं बाहर जाके आपको दिखाती हूँ, शायद खिड़की में से साफ क्लियर ना दिखाई दे, कि लोगों की जो बेसमेंट्स वगैरह हैं, दो दो तीन तीन फुट स्नो पड़ चुकी है और बहुत बुरा हाल हो चुका है। आपको अपना गेस्ट रूम से भी व्यू दिखाती हूँ। वैसे ये गेस्ट रूम मैंने बनाया, इसका भी मैं होम टूर देने वाली हूँ, ये इन प्रोग्रेस है, इसको बनाना है, इसको अभी कवर नहीं करते हम। ये देखिए हमारी छत पे इतनी इतनी स्नो है, ये टू स्टोरी हाउस और यहाँ तक स्नो आई पड़ी है। वहाँ पे एक कोना है, वो वहाँ का शिंगल्स लगे हुए हैं, वो बिल्कुल कम दिखाई दे रहे हो, यहाँ पे इतनी ज़्यादा है। सामने वाले घरों पे इतनी नहीं है छत पे स्नो, लेकिन हमारा जो घर है ये कॉर्नर पे आता है, कॉर्नर की वजह से यहाँ पे सारी स्नो जो है चारों तरफ से, हवा का पता नहीं कुछ ऐसा रुख है कि यहाँ पे पूरी इतनी ज़्यादा पड़ी पड़ी है। और कम से कम मुझे लग रहा है कि 2 फुट स्नो तो होगी, बाकी एग्जैक्टली तो मुझे आइडिया इतना है नहीं। देखो घरों के आगे पहाड़ बने पड़े हैं और ये स्नो ऐसे गिर रही है बहुत ज़्यादा। सो अब हम हो रहे हैं तैयार बाहर जाने के लिए। सो जैसे मैंने आपको बोला, जैकेट जरूरी है, ग्लव्स और ये कैप। रेडी रेडी फॉर द डे रेडी फॉर द डे। चलो जी अब लेके चलते हैं आपको बाहर। क्या हाल है, अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी है तो आपने देखी होगी कि यहाँ पे बहुत ज्यादा स्नो है यार। ये तो मुझे लगा मेरे स्नो शूज भी कम पड़ेंगे यहाँ पे। हाँ जी, आ जाओ बाहर। नहीं, हम यहीं ठीक हैं। नहीं, आ जाओ, स्नो भी साफ करनी है, दोनों को मिलके करेंगे। आज हमें छुट्टी चाहिए, आज रेस्ट डे है हमारा। आज नहीं हो पाएगा, बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है, स्नो बहुत ज्यादा है इधर से, तो बहुत ही ज्यादा है हमारे इधर तो। अच्छा हुआ आज हमारा बाहर जाने का नहीं था प्लान, नहीं तो गाड़ी निकलनी नहीं थी बाहर आज तो। सही बात है। और वो सामने स्नो साफ कर रहे हैं, उन्होंने लगवाई हुई है। आज लग रहा है कि भाई साहब बहुत ज्यादा स्नो है इधर से, शायद आपको वीडियो में ना दिखाई दे रही हो, वो रोड उधर है, मतलब ये कम से कम 3-4 फुट की स्नो है, 3 फुट की तो है ही है ना, 2-3 फुट की। कोई नहीं, हम आपको दिखाते हैं, उधर से जाते हैं, खोलता हूँ मैं गैराज फिर देखते हैं। हाँ जी आओ, फिर उधर से आओ, आप शूज डाल लेना। हाँ हाँ, बहुत मुश्किल है हरविंदर, क्या मैं हेल्प करूँ आपकी? कोई बात नहीं, अभी तो हम अभी तो सुबह की ताज़ा ताज़ा चाय पी, अदरक वाली, अभी तो एनर्जी है। तो ये है जी ट्रैक्टर जो जिन लोगों ने लगाया हुआ है उनके यहाँ पे, ये क्लीन कर जाते हैं, लेकिन इस सीज़न की पहली बार ही है ये जो क्लीन करने आए हैं, क्योंकि इतनी स्नो पड़ती नहीं है, 13th जैन है तो पहली बार इतनी स्नो पड़ी है। तो ये कर रहे हैं हमारे नेबर्स का ड्राइववे क्लीन, आज तो इनकी भी वैसे बैंड बजी हुई है, ये भी इतना टाइम लगा के इनका क्लीन हो रहा है, क्योंकि ट्रैक्टर के आधे आधे टायर तो बीचे स्नो में चले गए हैं और इनको भी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि रोड भी साफ़ नहीं थी, सिटी वालों ने फिर बाद में क्लीन की, पहले तो रोड भी क्लीन नहीं थी। और इनको जो नॉर्मली ये 2 मिनट लगाते हैं, इनको भी 5-5, 6-6 मिनट लग रहे हैं एक ड्राइववे को क्लीन करने में। और इधर से हम जूझ रहे हैं शवल के साथ, मुझे नहीं लगता कि शवल वाला आज माहौल है, शवल से तो क्लीन बिल्कुल नहीं हो पाएगा। हरविंदर फिर भी कोशिश कर रहे हैं, मैंने भी ऑफर किया मैं हेल्प करूं, बट ये कह रहे हैं कि नहीं ये खुद ही करेंगे। अर्जुन वैली, अर्जुन वैली चको एक्साइटेड है। नहीं यार, अभी तो सुबह सुबह अदरक वाली चाय पी है, ब्रेकफास्ट किया हुआ है, तो सुबह सुबह एनर्जी भी काफी अच्छी है, तो सुबह से उठा लेनी चाहिए, उठानी चाहिए। अगर कोई सोशल वर्किंग का किसी को मन है, आप आ सकते हैं, हमारी हेल्प भी कर सकते हैं। हमारी ऑडियंस तो पहले ही रेडी है, वो हमें बुलाओ भाई, एक बार करना बुला लो, आपकी सारी चीजें उठा लो। यहाँ पे
तीन सीढ़ियां हैं हमारी, हाँ दिखाई दे रही है वो तीन सीढ़ियां, अच्छा दिखाओगे ऑडियंस को तीन सीढ़ियां हमारी, एक ये कहां है, एक मुझे तो अभी भी नहीं दिखी, आगे दूसरी, ये आ गई दूसरी, अब एक एक और एक और है मुझे लग रहा है, उखाड़े विच डांग खड़ के चको भाई ऐसा पार्टनर हो किसी का जो हमेशा खुश रहे ऐसे माहौल में, और क्या चाहिए हमें। हाँ जी, हाँ ये लग रहा है माहौल, माहौल बहुत बढ़िया। अगर इतनी अच्छी अच्छी स्नो देख के आपका मन कर ही गया आपने कनाडा आना ही है, देन वेलकम टू कनाडा। हाँ जी, तो जैसे हरविंदर ने बताया अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आपके लिए एक चीज़ बहुत हेल्प करेगी अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं, वो आते हुए लेके आए हैं वो है आपका कैनेडियन सिम। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं, चाहे आप स्टडी परमिट पे आ रहे हैं, वर्क परमिट पे आ रहे हैं, जो भी आपका रीज़न है, आप वहीं से सिम ऑर्डर कर देना और आपके घर पे इंडिया में फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी हो जाएगी। और प्लान बहुत अच्छा है, आपको मिल रहा है $40 में 50 GB डेटा विद अनलिमिटेड कॉलिंग एंड टेक्सटिंग। ऑपरेटर फाइडो है तो सिग्नल का कोई इशू नहीं है, और उसके अलावा आपको कोई एक्टिवेशन चार्ज नहीं लगेगी, $60 आपके वहाँ पे सेव हैं, और आपको कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेक श्योर यू यूज़ दैट, क्योंकि आप जब ऐसे यहाँ पे लैंड करेंगे, लैंड होते ही वो सिम एक्टिवेट हो जाएगा अपने आप, तो आपके लिए इनिशियल सेटलमेंट में बहुत हेल्प हो जाएगी। ऐसी स्नो आई थिंक साल में दो चार बार ही पड़ते हैं, इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती, वो भी फेस्टिवल वाले दिन। वो चाहते हैं कि आप लोहड़ी सेलिब्रेशन करो, घर से बाहर निकलो, बाहर आग लगाओ, हादसे को बाहर। हैप्पी लोहड़ी भाई जो इंडिया में है, हमारी लोहड़ी कल को है। नहीं, हमारी लोहड़ी देखो ऐसे बन रही है, हमारी लोहड़ी हमारी लोहड़ी तो ऐसे बन रही है, हैप्पी लोहड़ी, और हमारी पहली लोहड़ी है, तो हम दोनों की तरफ से आप सबको हैप्पी लोहड़ी इन एडवांस। और कनाडा में ऐसे लोहड़ी मनाई जाती है, देखो घर के अंदर तो हम लोहड़ी बना नहीं सकते, आग लग जाएगी और फायर अलार्म और ये सारी चीजें, और बाहर आप देखो ये हालत है कि बाहर तो वैसे ही लोहड़ी नहीं मना सकते, चार चार फुट यहाँ पे स्नो पड़ी हुई है, बट वी आर हैप्पी, हम खुश हैं। ओ, हमने मत्था टेक लिया और बोल दिया इस रात लिद्दर जा लिद्दर दीजर चूल्हे पा। मुझे तो लग रहा है कि अब यही छोड़ देना चाहिए, घर चलते हैं, अंदर वापस चलते हैं। नहीं, आपको रोड का नजारा दिखाते हैं, देखते हैं कि हम पहुंच भी सकते हैं या नहीं आज। चलो आ जाओ फिर। सबसे ज्यादा दिक्कत यहाँ आती है जब ये रोड वाले साफ करके जाते हैं ना स्नो, तो ये आपकी साइड पे भी फेंक के जाएंगे वो जो आती है ना। हाँ, साफ है और ये तो यहाँ फेंक गए हैं सारी, मतलब ये ऐसा ही होता है वो, क्योंकि उनका जो आता है बड़े वाला ट्रक वो सारा साफ कर जाता है, तो उस साइडों में ही वो स्नो करता है क्लीन। तो यहाँ पर तो और भी दिक्कत है, आई थिंक यहाँ तो 3-4 फुट से ऊपर लग रही है। हाँ, यहाँ तो मुझे तो लगता है मैं तो जा नहीं सकती उधर। ऐसा है कि हमारा अदरक वाली चाय का टेस्ट हो गया है अब कम, आई थिंक अब अंदर चलते हैं इसको शाम। नहीं नहीं, आप बोलिए जाना है, जाओ दिखाओ ऑडियंस को, और दिखाओ ऑडियंस ने मजा ले लिया है। देखो शिमला मनाली जाने की हमें दिक्कत ही नहीं है, हमारे घर में ही है शिमला मनाली। नहीं नहीं बस। हे डेव हमारी नेबर बहुत अच्छे हैं, इन्होंने हमें ऑफर की हेल्प। और इधर मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमारा जो एरिया है जहाँ एसी लगा हुआ है साइड पे, ये कम से कम 3-3.5 फुट ऊपर है और नीचे इसके बिल्कुल गहराई है, और यहाँ पे स्नो आप देखिए एसी को ऊपर तक चली गई है, इतनी ज़्यादा यहाँ पे स्नो पड़ चुकी है। और इतनी सोचो अगर आप हाईवेज वगैरह पे होंगी, वैसे तो टाइमली क्लीन हो जाते हैं लेकिन बहुत दिक्कत आती है ड्राइविंग वगैरह में अगर आप स्नो स्टॉर्म में ड्राइव कर रहे हैं, सो मेक श्योर यू अवॉइड दैट। और इधर हमारे जो नेबर हैं डेव, वो बोल रहे हैं हाय कर रहे हैं कि हम आपकी क्लीन कर देंगे स्नो। तो यहाँ पे लोग यार कनाडा में बहुत अच्छे होते हैं, तो इन्होंने खुद से ऑफर की है, हमारे तो नेबर बहुत अच्छे हैं, और कोई अच्छा हो ना हो नेबर का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी बहुत से लोग यहाँ से निकल के जा रहे थे जो हमें बोल रहे थे कि भाई शवल के साथ मत करो, पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा स्नो स्टॉर्म है, और कईयों के पास ब्लोअर है, तो उन्होंने बोला कि हमारा ब्लोअर ले लो। ओह माय गॉड। हाँ जी, तो हमारे जो नेबर हैं डेव, ये आ गए हैं हमारा ड्राइववे क्लीन करने के लिए, क्योंकि इनके पास ब्लोअर है, और हमारे नेबर बहुत ही अच्छे हैं। सिर्फ यही नहीं, इनके अलावा बहुत से लोग जितने भी यहाँ से गुजर के गए हैं, सब ने हमारी हेल्प करने की कोशिश किया और हमें ऑफर किया कि भाई हमसे हेल्प ले लीजिए अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि आज जो स्नो स्टॉर्म था वो बहुत बुरे वाला स्नो स्टॉर्म था, और ये जो स्नो ब्लोअर है ये भी नहीं चल रहा था डेव का, ये भी स्टक हो गया था बीच में, तो हम लोग कोशिश कर रहे थे कि कैसे इसको हेल्प करें। तो उन्होंने हैरी को बोला कि आप अपना थोड़ा सा शवल लेके इसको स्नो को तोड़ने की कोशिश करो, उन्होंने समझाया कि स्नो स्टॉर्म में कैसे हैंडल किए जाते हैं सारी चीज़ें, क्योंकि उन लोगों को पहले से पता है, यहाँ के बॉर्न ब्रॉट अप हैं। और यहाँ पे हैरी क्लीन कर रहे हैं स्नो, आप देखिए कितना बड़ा पहाड़ बन गया है यहाँ पे, बिल्कुल ऊपर से ये जो ट्रक आए हैं जिन्होंने रोड क्लीन की है, उन्होंने और स्नो उठा उठा के हमारी वाली साइड फेंक दी है, ये भी बड़ी दिक्कत आती है यहाँ पे, इसलिए लोग जो हैं वो स्नो तब क्लीन करते हैं जब वो ट्रक निकल जाते हैं, तो यहाँ पे रोड क्लीन हो चुकी है।
और एक और अच्छी बात हुई है आज कि आज आप देख रहे हैं हमारे साथ लाइव स्नो, ऐसे पड़ती है यहाँ पे स्नो और कहीं पे भी स्नो ऐसे ही पड़ती है, मोटी मोटी फ्लरीज होती हैं। ये देखिए स्नो का हाल, यहाँ पे इतनी ज़्यादा स्नो पड़ रही है, आँखों पे भी आके पड़ रही है। इसके बाद पता नहीं क्या इशू हुआ कि मेरा जो माइक है वो डिस्कनेक्ट हो गया और यहाँ पे लेकिन माहौल तो बहुत अच्छा था, फ्लरीज आई हुई थी बहुत, मैं बातें करना चाह रही थी आप लोगों से और इधर से हरविंदर उठा उठा के स्नो मेरे ऊपर डाल रहे थे, हमने बहुत फन किया लेकिन मैंने सोचा कि चलो वॉइस ओवर दे दूंगी बाद में। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी बाहर स्नो क्लीन करना आना ना तो प्रॉपर ये बीनी डाल के, जैकेट डाल के और लॉन्ग जैकेट डाल के आना। मैंने तो अभी लॉन्ग नहीं डाली, जल्दी जल्दी में आ गई, तो लॉन्ग जैकेट डाल के जब स्नो बहुत ज़्यादा होती है और ग्लव्स वगैरह डाल के प्रॉपर, क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत ख़तरनाक होती है। कई लोग जो मैंने देखा है कई बार ऐसे ही आ जाते हैं बाहर की, अंदर शॉर्ट्स में घूम रहे हैं क्योंकि अंदर हीट होती है, तो बाहर भी ऐसे चले गए शॉर्ट्स में और थोड़ी सी जैकेट डाल के चले गए। वो एक दो बार के लिए ठीक है लेकिन अगर हेल्थ ख़राब हुई, यहाँ पर डॉक्टर की पता है आपको अपॉइंटमेंट मिलती नहीं है, और अगर अपॉइंटमेंट मिलेगी भी तो डॉक्टर यहाँ पर एक दो गोली देता है टायलेनॉल और एडवल, कुछ नहीं बनता यहाँ पे। तो वही है कि भाई अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, कोशिश यही करो कि आपको डॉक्टर के पास जाना ही ना पड़े। सो जब बाहर आना है तो पूरा पैक होके आना है अच्छे से और फिर क्लीन करनी है। आप अपने ड्राइव का बहुत ध्यान रखें, यहाँ पे ड्राइव में बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं, यहाँ पे हाईवे जाम पैक्ड हो जाते हैं और लोगों का पता नहीं कितना ही बुरा हाल हो जाता है। अभी तो एक ऐसी न्यूज़ आई थी कि बंदा गाड़ी चला रहा था, क्योंकि रोड वगैरह यहाँ पे दिखाई देती नहीं, आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हाल है, तो गाड़ी चलाते चलाते वो रास्ता उनको दिखा ही नहीं कि वो पता नहीं कौन सी लेक पे पहुंच गई और लेक पे गाड़ी चलाने लगे और वहाँ पे उनकी गाड़ी स्टक हो गई। आप सोचो कि वो तो चलो सॉलिड था कि इस वजह से उनकी गाड़ी नहीं नीचे गई, अगर वो सॉलिड ना होता तो क्या पता क्या हो जाता, राइट। सो उसके बाद पुलिस ने उनको वहाँ से जाके निकाला। तो ये भी ध्यान रखें कि आप ड्राइव ना ही करें जब स्नो स्टॉर्म आ रहा हो सके तो अवॉइड करें, एडवाइजरी टाइम टू टाइम चेक करते रहें और बहुत सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लॉन्ग ड्राइव पे तो बिल्कुल ना जाएं। मेरे फ्रेंड लास्ट टाइम टोरंटो से आते हुए लॉन्ग ड्राइव पे ऑटो आ रहे थे, 4-5 घंटे का रास्ता है, तो उनको वहाँ पे स्नो स्टॉर्म में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी, पता नहीं हाईवे जाम थे, कितने घंटे डिले हुआ और एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अपनी एडवाइजरी चेक करके उस हिसाब से एक्शंस लो, कोई अपॉइंटमेंट है तो अपॉइंटमेंट कैंसिल करा लो, हो सकती है तो रीस्केड्यूल करा लो, वो सारी चीज़ें पहले कर लो। जैसे मेरी आज कैंसिलेशन चार्ज उन्होंने बोला कि लग जाएगा, तुमने पहले नहीं बताया, मुझे पता नहीं था, मुझे वैसे ये पता था स्नो स्टॉर्म आने वाला है लेकिन मुझे अपॉइंटमेंट याद नहीं रही थी कि मेरी अपॉइंटमेंट भी है, तो ये चीज़ें भी ध्यान रखो। ये जो ले, ये देखो जी हमारा हो गया पूरा ड्राइव वे क्लीन यहाँ पे। हाँ जी खुश हो आप, ड्राइव वे क्लीन हो गया। ये एक जिंदगी का दस्तूर है कि और कोई किसी से बने ना बने नेबर्स के साथ जरूर अच्छी बननी चाहिए। इतनी ज़्यादा स्नो थी यहाँ पे और ये तो थोड़ा कम लग रहा है मुझे, जो आगे था वो एरिया बहुत ही ज़्यादा था, जो रोड पे आते हैं ट्रैक्टर्स वगैरह स्नो उठाने के लिए वो उठा के सारी यहाँ पे डाल जाते हैं। यहाँ पे देखिए पूरी इतनी बड़ी दीवार यहाँ पे, अभी आएंगे यहाँ पे और स्नो पड़ेगी, फिर से सिटी के जो है ट्रैक्टर्स आएंगे जो कनाडा गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेती है, वो फिर उठा के यहाँ पे डाल जाएंगे। अब मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ पे ये हाल, यहाँ पे जो रविंदर ने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि ये तीन सीढ़ियाँ मैंने आपको वीडियो में पहले दिखाया था साफ़ करने से पहले, यहाँ से ऊपर तक स्नो पड़ी हुई थी और इधर देखिए आप कितना ज़्यादा पहाड़ बना हुआ है। तो यहाँ पे साफ़ नहीं करते हैं हम लोग इस साइड को, इधर ग्रास लगा हुआ है, सिर्फ ड्राइववे वगैरह साफ़ करना होता है, वही हो जाए वही पॉसिबल है, लोग यहाँ के बहुत अच्छे हैं। तो सिर्फ यही नहीं है कि आपको अपनी ही कम्युनिटी के साथ मिल के रहना है और किसी और से नहीं करना है, यहाँ पर डाइवर्स कल्चर बहुत ज़्यादा है। सो सिर्फ ऐसे नहीं कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ अपने ही लोग हों, अपने हों तो अच्छा है लेकिन दूसरे लोग भी बहुत मिक्सअप होते हैं, वही कनाडा की एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे डाइवर्स कल्चर है, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन से डिफरेंट कंट्रीज से लोग यहाँ पे मिलके रहते हैं और बहुत ही मतलब वेलकमिंग और अच्छे नेचर के होते हैं, फ्रेंडली नेचर होता है। आप सड़क पर जा रहे होते हैं आपको स्माइल करके मिलते हैं, जैसे मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाया भी है, 3-4 लोग अभी निकले हैं यहाँ पे, हमारे नेबर्स निकले हैं, आंखों को तो हम जानते भी नहीं हैं पर्सनली और उन्होंने हमें हेल्प ऑफर करी और पूछा कि भाई आप कैसे कर रहे हैं ये सब, हमसे ले लो हम आपकी हेल्प कर देते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छे लोग होते हैं, खुद से आपको बुलाते हैं। एक चीज़ मैंने नोट की है कि जो हम लोग हैं ना हम थोड़ा सा रिस्पेक्ट हो जाते हैं, मैं तो ऐसी न्यू खैर बट हमारी कम्युनिटी में ऐसा होता है कि हम लोग सोचते हैं कि यार बुलाएं या ना बुलाएं, मैं तो जाके बुला लेती हूँ लोगों को। हाँ जी तो स्नो कर लिया बिल्कुल साफ़, आप देख रहे हैं कि ड्राइववे बिल्कुल चमक गया है, साफ़ हो गया है और हरविंदर को मैंने खिलाई गर्मा गर्म पूरियाँ और छोले, कैसे लगे आपको भाई?
बहुत स्वाद थे, बहुत टेस्टी थे। अब टाइम हो गया थोड़ी शेयर वॉक करने का, तो अब हम जा रहे हैं वॉक करने, और वॉक के बाद आपको साथ साथ माहौल दिखाएंगे कि और कैसा हाल है। ये तो मेरे घर का हाल था। एक और चीज है यहाँ पे कि आज ना वेदर बहुत वार्म है ना हरविंदर? वेदर काफी वार्म है, तो आप बाहर वॉक कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। मतलब इतनी ठंड नहीं है, अच्छे से आपने सारी चीजें डाली हो, तो इतनी ठंड नहीं है, आराम से वॉक करने का माहौल है आज तो बिल्कुल। तो थोड़ी लंबी वॉक कर की शॉर्ट्स में बाहर आ जाओ, यहाँ बहुत लोग करते हैं आजकल, लोअर वगैरह अच्छे से अपनी वार्म वाले ना, हाँ वो डाल के आओ, सही है, सही बात है। तो अपना पूरा प्रॉपर डाल के आओ, बट इट्स गुड कि आप ऐसा नहीं है विंटर में बिल्कुल अंदर ही कैद हो गए हैं, आराम से वॉक कर सकते हैं जैसे हम वॉक कर रहे हैं। तो इधर हमारे नेबर्स चला रहे हैं, गांव वालों, गांव में कोई भी नहीं है ठाकुर साहब, कहाँ मर गए सबके सब, एक डायलॉग है बड़ा फेमस, कोई नहीं दिखाई दे रहा, देखो सब अंदर घुसे हुए हैं, देखिए क्या बुरा हाल हो रखा है। इधर दिखाओ, उधर पहाड़ बने पड़े हैं पूरे, और ये पहाड़ जब और सुनो पड़ती है तो ये पहाड़ बड़े ही होते रहते हैं अंटिल मार्च अप्रैल तक ये। सो ओके गाइस, ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में आपने स्नो स्टॉर्म भी देख लिया, लाइव स्नो भी देख ली, ये भी देख लिया कि लोग कनाडा में कैसे होते हैं, कैसे एक दूसरे की हेल्प करते हैं। आपको थोड़ी सी वॉक भी करा दी हमने, छोले पूरियां हरविंदर को खिला दिए, तो आप भी अच्छा अच्छा खाना बनाइए, खाइए। आई होप आपने ये ब्लॉग इन्जॉय किया होगा, ब्लॉग अच्छा लगे तो कॉमेंट्स में ज़रूर लिखना कि हम ऐसे और ब्लॉग्स लेके आए, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना। पहली बार चैनल पर आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, इट रियली डज हेल्प अस अ लॉट। And thank you so much for watching. मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।